वीवो का काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन वीवो Y200GT लॉन्च हो चुका है। चलो इस स्मार्टफोन के बारे में आपको मैं सब कुछ बताता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अलग है और अमेजिंग भी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। वीवो Y200GT में आपको 6.78 इंचेस का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला TCL का C8 AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसको आप OLED डिस्प्ले भी कह सकते हो। 144Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, 2000Hz का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है, 3840Hz का PWM DC डीमिंग है। ये काफ़ी रेयर है, बहुत ही रेयर स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है इतना ज़्यादा PWM DC डीमिंग, जो बहुत ही अच्छी बात है। आंखों को कम नुकसान पहुंचेगा, डिस्प्ले आंखों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, 10 बिट के कलर्स है, DCI-P3 कलर गैमेट है, HDR10+ का सपोर्ट है, 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 452 का PPI है, बेजल एज डिस्प्ले है, फ्लैट डिस्प्ले है, थोड़े से चिन्ह के साथ, नॉर्मल से पंच होल के साथ। देखो यार, डिस्प्ले बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है। जिस प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और जैसे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, बहुत ही अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स हैं। ऊपर से 144Hz रिफ्रेश रेट भी है और TCL का C8 LTPO पैनल काफ़ी अच्छा है। हालांकि LTPO टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा डिस्प्ले टाइप है ये। और यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 452 का PPI है तो शार्प एंड कॉन्टेंट भी रहेगा। डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है, ब्राइटनेस लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्क्रीन प्रोटेक्शन भी अच्छा मिल जाता है। मिड रेंज फ्लैगशिप टाइप का ये स्मार्टफोन क्रिएट करने का कोशिश किया है वीवो, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश वो किया है। हालांकि वीवो है तो ज़्यादा उम्मीदें हम लोग लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा भी काम किया वीवो ने, अच्छा काम किया है वीवो के प्रोस्पेक्टिव से कहूँ तो। चलो अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, नाम का ड्यूअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ, जो कहना कह लो। अब वीवो है तो यार, वीवो से इतनी सारी उम्मीदें भी तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। लाइटिया 600 कैमरा सेंसर के साथ है, सोनी का सेंसर है, OIS मिल जाता है, 16 का सेल्फी मिल जाएगा सैमसंग के सेंसर के साथ। मेन कैमरा से 4K में 30fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे, सेल्फी कैमरा से 1080p में 30fps पे 2x ऑप्टिकल जूम कर लोगे। देखो यार, जिस प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से कहूँ और वीवो के ब्रांडिंग को देखते हुए, कैमरास अच्छे हैं। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो एक 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एडिनो 720 का GPU मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज आपको ज़्यादा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग करोगे। डे टू डे लाइफ में ये प्रोसेसर आपके सारे टास्क को हैंडल कर लेगा, चाहे गेमिंग हो गया, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, कुछ भी महंगा सा महंगा और बड़ा सा बड़ा काम इजीली हैंडल कर लेगा ये। चलो अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स कैमरा मिल जाएगा, UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR4X रैम टाइप। आजकल का जो ट्रेंड है 25,000 रुपये के स्मार्टफोन्स के आसपास, वो ट्रेंड को वीवो भी बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, आईगू भी करेगा। खैर, यहाँ पर आपको 5000mAh बैटरी नहीं मिलेगा, 6000mAh बैटरी मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। 80W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, चार्जर बॉक्स में रहेगा, एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, NFC है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, USB 2.0 देखने को मिलेगा। तो सारे अच्छे मेन स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, बस UFS 3.1 मिल जाता तो थोड़ा सा संतुष्टि मिलता। चलो अब बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यह स्मार्टफोन 7.98mm के थिकनेस के साथ आता है, 194.6 ग्राम्स इसका वेट है। डिज़ाइन वाइज देखोगे तो आपको iQOO 12 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स का याद आ जाएगा, iQOO Z9 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स का याद आ जाएगा। एक्चुअली सीन ये है कि चाइना में जो iQOO Z9 5G लॉन्च हुआ था ना, चाइनीज iQOO Z9 5G, उसी को वीवो ने वापस से लॉन्च किया है वीवो Y200GT बनाकर। अब वीवो का भी तो हक बनता है ना यार, लेकिन फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। खास के जो वीवो का जो स्टाइल है कलर में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो iQOO में काफ़ी फीका पड़ जाता है। वीवो वाले बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कलर्स क्रिएट कर लेते हैं, फ़ोन बहुत ही देखने में प्रीमियम लग रहा है। ऊपर से iQOO 12 का डिज़ाइन है तो महंगा और भी महसूस हो रहा है। खैर, अगर बिल्ड वाइज बात करें तो आपको AG फ्रॉस्टेड ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है और IP64 का रेटिंग भी है। तो डिज़ाइन और बिल्ड वाइज वीवो ने कंजूसी नहीं किया है। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। इसके बेस वेरिएंट का प्राइस है 8GB रैम प्लस 128GB वाले वर्जन का 18,500 रुपये, 18,500 रुपीज़।
चाइनीज प्राइस होते हुए भी यार ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। बाकी रैम वेरिएंट्स के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कन्वर्ट करके देख लो यार, बहुत अच्छे अच्छे रैम वेरिएंट्स हैं। बताना मुझे कमेंट करके आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं। चलो आप बात करते हैं, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, आएगा तो कब तक आएगा, किस प्राइस पे आएगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, ये स्मार्टफोन पहली बात इंडिया में ज़रूर आएगा, 100% आएगा। इसका नाम भले ही चेंज हो जाए लेकिन आएगा ज़रूर। इसका नाम हो सकता है वीवो T3 Pro 5G या फिर iQOO Z9 Pro 5G या फिर ये अपने खुद के ओरिजिनल नाम के साथ आ जाएगा, वीवो Y200 GT के नाम से। अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये स्मार्टफोन जून एंड होते होते तक या फिर जुलाई के मंथ में स्टार्टिंग के आसपास तक आ जाएगा। एज ऑफ नाउ मुझे जो प्राइस पता चला है वो है 25,000 रुपीज़, उसके अंदर में रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, वीवो को कॉम्पीट करना है। और अगर iQOO के प्राइसिंग के अंदर में आया तो और अग्रेसिव प्राइस देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कौन सा ब्रांड इसको लेके आता है इंडिया में। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर ये स्मार्टफोन 25,000 रुपीज़ के आसपास इंडिया में लॉन्च हुआ तो क्या आप इसको खरीदोगे? बताना मुझे कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर से जाना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।